बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्पायर किचन। आज मैं आपको अचारी मटन गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। जो मैंने मटन ले लिया है 1 किलो और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये टमाटर जाएंगे इसमें 250 ग्राम, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये जो प्याज है ये 500 ग्राम जाएगा इसमें। और जो दही है वो इसमें 250 ग्राम जाएगा, इसको मैंने फेंट लिया। नींबू इसमें जाएगा यानी मैंने 1.5 नींबू लिए। इसका रस जाएगा और ये हरी मिर्च है 7 से 8 अदद, इसको मैंने इस तरह सेंटर से कट लगा दिया। इसके अंदर हम ये अचार गोश्त का मसाला भरेंगे। इस तरह करके आपने इसके एक साइड से कट लगा देना इस तरह। इसके बीज मैंने नहीं निकाले, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये हरा धनिया जाएगा गार्निशिंग के लिए और यह अचार गोश्त मसाला जाएगा। ये मैंने आपको बनाना सिखाया, आप मेरे चैनल पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। और इसमें मटन की यखनी जाएगी थोड़ी सी और ऑयल जाएगा इसमें 1 कप। ये चार गोश्त मसाला मैं इसमें 1 किलो गोश्त में ये 1.5 टेबल स्पून जाएगा और 1.5 टेबल स्पून हम हरी मिर्चों में भरेंगे। अब सबसे पहले हम हरी मिर्चों में ये मसाला भर लेते हैं। ये जो चार गोश्त मसाला हमने तैयार किया, ये 1.5 टेबल स्पून निकाल लेंगे। इसमें हम ये 1.5 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिक्स कर लेंगे। ये हम हरी मिर्च लेंगे और इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसके अंदर भर लेंगे। इस तरह आपने तमाम हरी मिर्चों में मसाला भर लेना। तमाम मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया। कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल करूंगी। ये 1 कप ऑयल चला गया इसमें। और ये हमने जो प्याज को बारीक स्लाइस करके रखा है ये शामिल कर। अब हमने प्याज को लाइट पिंक करना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। ये प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया, देखें तो कलर आने लग गया है। इससे ज़्यादा कलर नहीं हमें चाहिए। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। ये मैं आपको बताना भूलूंगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक पक गया। अब हम इसमें ये मटन शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल किया था। इसके बाद ये टमाटर शामिल करेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब गोश्त को हमने लहसुन अदरक प्याज और टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसके ऊपर ये इसकी लेट दे देंगे और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हम इसे कवर किए हुए। अब हम इसमें ये मसाला शामिल करेंगे, ये चार गोश्त मसाला जो बनाया हुआ 2 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे। अच्छा, अगर मुझे इसमें नमक और मैं शामिल करूंगी और अगर मिर्चें कम लगें तो इसमें थोड़ी सी मैं किसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दूँगी।
अब हम इसको कवर करेंगे दोबारा और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। यह बस ढक्कन उठाएंगे। मैं नमक शामिल करूंगी और आप अपने हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। और ये सूर्ख मिर्ची से 2 टेबल स्पून में इसको शामिल करें। नमक और सूर्ख मिर्ची से आप अपने जायके के साथ रख सकते हैं। यखनी ऐड करूंगी ताकि मसाला जले और इसको कवर कर दूँ। 5 मिनट हम कवर करके पकाएंगे। कवर हटाएंगे। ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला हमारा इधर पक गया। इस स्टेज पे हम दही शामिल कर देंगे। दही को आपने फैन से शामिल करना। सालन में कभी भी दही इस तरह ना शामिल, फेंटे बगैर शामिल ना करें। अब दही शामिल कर दिया। अब हम गोश्त को दही के साथ पकाएंगे। अब हम इसको दोबारा कवर करेंगे। फ्लेम मैं मीडियम टू लो करती हूँ, ज़्यादा भी लो नहीं करनी, दरमियान में। यह पकेगा दही के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने इसमें अचार गोश्त मसाला डाला है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मसाले बनाएं या आपके 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और ये चिकन में भी इस्तेमाल हो सकता मसाला, लेकिन उसकी रेसिपी थोड़ी अलग होगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये अब जो दही का पानी है वो हम खुश करेंगे। ढक्कन को मैं हटा दूंगी और इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगी। अच्छा देखें, ये हमारा गोश्त यानी कि भून गया। ये ऑयल भी ऊपर आ गया इसके ऊपर। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम आंच को मीडियम टू लो करेंगे और इसमें मैं डालूंगी ये जो हरी मिर्चें हमने मसाला भर के रखी थी वो शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें शामिल करूंगी और ये जो मसाला बच गया था जिसमें हमने लीमू शामिल किया था ये भी हम इसी में ही शामिल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा जाएगा इसमें, पिसा गरम मसाला। अब मैं इसको बिल्कुल दम वाली आग रखूंगी और इसको 5 से 7 मिनट हम स्लो आंच पे बिल्कुल दम दे देंगे। ये 5 से 7 मिनट हो गए दम पे मैंने रखा हुआ था। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप जरूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसको ये फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको बाउल में निकाल दूंगी। ये चारी मटन गोश्त तैयार है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।